नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। आप सभी के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। कहने वाले ने क्या खूब ये पंक्तियां कही हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिस पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। गांव से निकले उस युवा का संघर्ष दिखाएंगे जिस संघर्ष की बदौलत उस युवा ने विदेशी सरजमी पर देश का नाम बुलंद रखा। हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है द इंडियन वॉरियर। द इंडियन वॉरियर यानी कि भारत का योद्धा, एक ऐसा योद्धा बॉक्सिंग जिसका पैशन है, जो अपनी बाजुओं के दम पर देश के लिए कुछ भी करने का दम रखता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो योद्धा देश में रहकर तो देश के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मजबूरी में विदेश गए उस युवा ने विदेशी सरजमी पर देश का लोहा मनवा दिया। तेज़तर्रार पंचों से विपक्षी खिलाड़ियों को नॉकआउट करता ये युवा प्रदीप सिहाग है। हिसार के सिसाई गांव के साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ प्रदीप सिहाग आज ऑस्ट्रेलिया का जाना माना प्रोफेशनल बॉक्सर है। 75 किलोग्राम वजन कैटेगरी में खेलने वाला प्रदीप दुनिया के टॉप 10 बॉक्सरों में से एक है। प्रदीप सिहाग ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉक्सर ऑफ द ईयर रह चुका है। प्रदीप ऐसा पहला भारतीय बॉक्सर है जिसने PABA, OPBF, WBC एशियन चैंपियनशिप जैसे ढेरों टाइटल अपने नाम किए। मशहूर बॉक्सर माइक टाइसन की तरह प्रदीप का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। प्रदीप ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की 24 फाइटों में से 19 बाउट जीती है और 9 में तो अपने प्रतिद्वंदियों को चित किया है। ऑस्ट्रेलिया की कई जानी मानी कंपनियां प्रदीप की स्पॉन्सर है। आज इसी खेल की बदौलत जहां प्रदीप को इज्जत मिली, वहीं प्रदीप अपने मुक्कों के दम पर साल के 2 से 3 करोड़ रुपए कमाता है। आज प्रदीप मेलबर्न में एक आलीशान घर में पत्नी समानता के साथ रहता है। बॉक्सिंग का ये पैशन और स्किल प्रदीप में बचपन से ही था। बॉक्सिंग की शुरुआत तो 2001 में देश की माटी से ही की थी। प्रदीप के मुक्कों में इतना दम था कि जूनियर लेवल पर कई खिताब जीतने के बाद साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे यूथ कॉमनवेल्थ खेलों में प्रदीप का सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एन वक्त पर प्रदीप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयनित हुई टीम से बाहर हो गया, लेकिन कुछ कर गुजरने के जज्बे ने प्रदीप को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां शोहरत प्रदीप के कदम चूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आपने प्रदीप की कामयाबी की कहानी तो देखी, लेकिन प्रदीप के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। देश के तिरंगे के नीचे खेलने का सपना पाले प्रदीप को मजबूरी और कुछ करने के जज्बे ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। भारत के लिए ना खेल पाने का मलाल आज भी प्रदीप के दिल में है। देश के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर प्रदीप सिहाग का चयन 2004 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की टीम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्रदीप एयरपोर्ट पहुंच भी गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एयरपोर्ट पे प्रदीप के पास मैसेज आया कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने प्रदीप के खेलने पर बैन लगा दिया है और प्रदीप को टीम से बाहर कर दिया है, और इसकी वजह बताई गई प्रदीप की आंखों का ऑपरेशन। फेडरेशन का कहना था कि जिस खिलाड़ी का ऑपरेशन हुआ है वो बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। एक बार तो लगा जैसे दुनिया ही लुट गई हो। प्रदीप को वापस हिसार लौटना पड़ा, पर प्रदीप ने हार नहीं मानी। वीजा तो उसके पास था ही, घर वालों ने प्रदीप को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद तो प्रदीप के रियल लाइफ से लगने लगी। प्रदीप के पास उस अनजान देश में ना कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना। ऊपर से अंग्रेजी में हाथ तंग होने की वजह से प्रदीप किसी से ठीक ढंग से बात तक नहीं कर पाता था। मायूसी से भरे प्रदीप ने कई दिनों तक सड़कों की खाक छानी।
और एक दिन प्रदीप की नज़र एक जिम कम बॉक्सिंग सेंटर के बोर्ड पर पड़ी। सेंटर के बॉक्सिंग कोच ने प्रदीप को रिंग में उतारा तो प्रदीप के खेल ने सबका दिल जीत लिया और वहीं से शुरू हुआ प्रदीप के सिफर से शिखर तक का सफर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो एक खिलाड़ी का समर्पण आपने देखा, उसके सिफर से शिखर तक के सफर के आप गवाह बने। लेकिन इस रियल लाइफ के पर्दे के पीछे भी एक गेम हुआ, जिस गेम का खामियाजा उठाना पड़ा एक होनहार खिलाड़ी को। बॉक्सिंग का रूल है, आंखों से अनफिट बॉक्सर रिंग में नहीं उतर सकता। साथ ही ये भी है कि जब डॉक्टर उस खिलाड़ी को फिट घोषित कर दे तो कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता। लेकिन रियल लाइफ का ये बॉक्सर सिस्टम के आगे घुटने टेक गया, जब प्रदीप पर विजुअली अनफिट होने का आरोप लगाया जा रहा था। तब रोहतक मेडिकल कॉलेज के आई डिपार्टमेंट के हेड की रिपोर्ट में प्रदीप को मेडिकल फिट बताया गया और रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि प्रदीप की आंखें बॉक्सिंग खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। लेकिन आईबीएफ ने ये मेडिकल रिपोर्ट मानने से मना कर दिया। प्रदीप का आरोप है कि अपने चहेतों को टीम में जगह देने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। आरोप है एक गुरु पर, आरोप है साई के अधिकारियों पर, कटघरे में है एक डॉक्टर। प्रदीप ने पहला आरोप लगाया है द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए कोच जगदीश पर। जगदीश भिवानी में बॉक्सिंग कोच है। प्रदीप का कहना है कि 2004 में कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में उसने जगदीश कोच के बॉक्सर को हराया था और इसी जीत की वजह से जगदीश कोच ने साई के अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रदीप को टीम से बाहर करवा दिया। मेरी ट्रायल भिवानी के जगदीश कोच के लड़के के साथ हुई थी, जिसे मैंने ट्रायल में नॉकआउट कर दिया था। तो उसके नॉकआउट करने के बाद जगदीश कोच को मुझसे काफ़ी ज़्यादा जेलिसी हो गई और वो ये हो गया कि भाई ये कहने लगा कि भाई मैं प्रदीप को नहीं खेलने दूंगा। तो उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाके आईबीएफ के जो डॉक्टर थे उनसे मिलके, जो और ऑफिशियल थे, एक आईबीएफ का सेक्रेटरी है राकेश ठाकरान, उनसे मिलकर उन्होंने एक नया नियम बनाया कि भाई जिस बॉक्सर की आंखों की सर्जरी हो चुकी है वो बॉक्सिंग नहीं खेल सकता, जबकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की टीम में खिलाया गया था कागजों में तो, लेकिन उन कोचेज ने और उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से वापस भगा दिया। प्रदीप ने आईबीएफ के सेक्रेटरी राकेश ठाकरान और आईबीएफ के डॉक्टर पर भी अपने खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। प्रदीप इस पूरे मामले की शिकायत खेल मंत्री से लेकर पीएमओ तक कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पूरा संघर्ष, पूरी कहानियां आपने इन रिपोर्ट्स के जरिए देख ली। अब सुनते हैं प्रदीप की ही जबानी कि आखिर किस राजनीति का वो शिकार हुए, क्या कुछ हुआ उनके साथ। प्रदीप हमारे साथ स्काइप के जरिए मेलबर्न से खुद जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हां जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जनता टीवी का, आप सभी का दिखाने के लिए। जी प्रदीप, हमने आपकी पूरी कहानी देखी, तमाम रिपोर्ट्स देखी, अब हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जबानी पूरे आवाम को, पूरे देशवासियों को ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। जी, 2004 में यूथ कॉमनल गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। हम पांच बॉक्सर थे टीम पे। जी। और मेरी जो ट्रायल, हम जब एयरपोर्ट पे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, हम रवाना होने वाले थे, तो आईबीएफ का जो इंडियन बॉक्सिंग का सेक्रेटरी है राकेश ठाकरान, वो आया मेरे पास और वो बोलने लगा कि प्रदीप सिंह कौन है। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। बोला प्रदीप सिंह इंडिया की टीम के साथ नहीं जा रहा और प्रदीप सिंह के बॉक्सिंग खेलने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी। और मैंने पूछा कि कोई उसका उसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, तो इसलिए ओलंपिक का नियम ये है कि आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। आप तो बड़ा बड़ा ठेस पहुंचा मुझे वहां से। मैं आ गया
काफी रात 2 बजे काफी रोता हुआ और पता नहीं था क्या करना लाइफ में क्या नहीं। तो घर पे आया तो मेरे पिताजी और मेरे कोच श्री राजीव धनखड़ दोनों ने यही कहा कि भाई जैसे कि आप कोई बात नहीं प्रदीप, अगर भारत में आपको नहीं खेलने देंगे तो हम बाहर भेज देंगे आपको और आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलना। तो मेरे पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ था क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था इंडिया की टीम में जी जी, और कागजों में मुझे खिला भी गया था यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इसलिए मैं उस वीजा से मेरे पिताजी ने अपने प्लाट बेच के जमीन बेच के थोड़े बहुत पैसे करके, काफी गरीब परिवार से हैं जी हम, जी जी, तो जमीन बेच के मेरे लिए टिकट ली ऑस्ट्रेलिया की और मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो यहाँ पे 17 साल का था मैं, कोई भाषा इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ भी नहीं पता था, ना किसी को जानता था। वैसे यहाँ के एक जिम में बॉक्सिंग लिखा हुआ था, उसमें चला गया मैं ट्रेनिंग करने के लिए जी। तो वहाँ पे जो बॉक्सिंग कोच था उसने मुझसे पूछा कि आप खेलोगे हमारे लिए, तो मैंने हाँ कर दी और फिर 2005 से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दिया। और अभी पिछले महीने की ही बात है कि क्या हुआ कि मेरी यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन है एक एंथनी मंडी जी, तो उससे मेरी प्रैक्टिस फाइट हो रही थी। तो प्रैक्टिस फाइट वो मुझसे उससे पहले बोलने लगा कि प्रदीप एक सेकंड रुको मैं अपने लेंस लगा लेता हूँ। तो मैं एकदम से अचंभित हो गया कि लेंस, मतलब मैंने उससे पूछा कि मतलब ये इलीगल नहीं है लेंस लगाना, लेंस लगा के खेलना। तो बोला नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो इसी वजह से अपने देश की टीम से निकाल दिया गया, ये वो है। तो उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने आईबा के जो डॉक्टर हैं, आईबा की जो फेडरेशन के जो चेयरमैन है उन सभी से बात की, यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ कमेटी है उन सभी से बात की। तो उन सभी से बात करके मेरे पास ये तथ्य सामने आए कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया इंडियन टीम से। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे को मुझे मेडिकल में पास कर दिया गया था और मुझे टीम में इंडिया की टीम में ले लिया गया था, लेकिन बाद में सिर्फ जो ये भिवानी का कोच है जगदीश, उसके कहने पे और उसके उसका एक काफी मित्र है राकेश ठाकरान, उन दोनों ने मिलकर एक अलग से नियम बना दिया कि भाई आपकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका आप नहीं खेल सकते। जबकि आईबा का या ओलंपिक कमेटी का या किसी का कोई रूल नहीं है। और बाद में मुझे पता चला कि कागजों में मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में खिला गया था और यही कारण था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ सका, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं खिलाते तो मैं ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा वीजा लगा हुआ था मुझे ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं करने देते। प्रदीप आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो आपने बताया उसे पूरा हरियाणा सुन रहा है, पूरे जनता टीवी के दर्शक सुन रहे हैं। राकेश ठाकरान का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपको बता दें कि पूर्व सेक्रेटरी आईबीएफ के राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, राकेश जी प्रदीप को आप भी सुन रहे थे, बहुत गंभीर आरोप है आप पर। एक्चुअली पहले बात तो मैं बताऊं मैडम आपको कि मैं आईबीएफ का सेक्रेटरी नहीं रहा हूँ कभी भी, मैं हरियाणा स्टेट का सेक्रेटरी जनरल हूँ और आईबीएफ में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। दूसरा जो जहां तक प्रदीप जी का सवाल है जी, ये फेडरेशन का मैटर नहीं था, ये साई का जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डॉक्टर हैं ये उनका मैटर था। और बॉक्सिंग के अंदर कभी भी कॉन्टेक्ट लेंस वाले बॉक्सर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और प्रदीप जी को कॉन्टेक्ट लेंस है। हमने अब इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने सिलेक्शन कमेटी ने इनका सिलेक्शन किया था, उसके बाद इनका जो फॉर्मेलिटी थी सारी वीजा लगवाने की और दूसरी जो थी वो सारी फेडरेशन ने कंप्लीट कर दी थी और इनकी कंप्लेंट किसी बॉक्सर ने जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को की थी, साई को। तो साई ने जब इनको बुलाया मेडिकल के लिए तो इनको अनफिट पाया गया, उस बेस पे जो है साई ने इसको मना किया था, फेडरेशन ने मना नहीं किया। ये मैटर है इनका। आपने कहा कि लेंसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रदीप आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं बेबाकी से। हाँ जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अभी मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा।
जी 2004 में मेरी मुझे सफेद मोतिया था मेरी आंखों में और जिसका डॉक्टर ने सर्जरी करके जो परत होती है रेटिना के ऊपर उसको क्लीन किया था। तो मैं पूरे देश के सामने एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में लेंस नहीं है और मुझे मेडिकल में पास कर दिया गया था। उसके बाद मुझे किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं मेरा चेक नहीं किया और मैं आज तक बॉक्सिंग खेल रहा हूँ और मैंने वो काम किया जो आज तक इंडिया का कोई बॉक्सर नहीं कर पाया है। और मेरी आंखों में अब भी लेंस नहीं है। जो ये राकेश साकरान बोल रहे हैं कि उसकी आंखों में लेंस है, किसने चेक किए थे मेरी आंखों में लेंस? आज भी नहीं है जी लेंस। मैं आज भी खेलता हूँ बॉक्सिंग, ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं अपने देश के लिए हर रात सोने से पहले मुझे दर्द होता है कि क्यों नहीं कर रहा मैं दूसरे देश की, मैं मदद कर रहा हूँ, दूसरे देश का नाम कर रहा हूँ, मेरे देश के लिए नहीं खेल रहा जी मैं। इन लोगों की वजह से मुझे वो कागजात दिखाए कि ये बोल रहे हैं कि साई के थे या साई के जो उन्होंने कर दिया मेडिकल कर दिया, मुझे वो मेडिकल दिखाए क्या कहाँ पे है? मेरा कोई मेडिकल किया नहीं, मेरा सिर्फ एक मेडिकल हुआ था जिसमें मुझे पास किया गया था। उसके बाद मैंने कोई मेडिकल नहीं किया जी, मेरा कोई लेंस चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं जो डॉक्टर है डॉक्टर सतवीर सिंह है, पीजीआई के हेड है जो रोहतक से, उनसे जाके पूछिए, मेरी आंखों में कोई लेंस नहीं है, मैं आज तक लेंस नहीं यूज करता जी। प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राकेश जी आप जवाब दे सकते हैं, सीधे सीधे बातें खुलकर आ रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस लेंस का जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप साफ तौर पर मना करें कि उन्होंने आज तक लेंस इस्तेमाल ही नहीं किया और मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था। फिर वो क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजह से हमें कहें कि एक होनहार खिलाड़ी को रोका गया? देखो 2004 में जिस चीज की जिक्र कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का, बॉक्सिंग फेडरेशन ने इनको सिलेक्शन किया था और इनको फाइनली वीजा भी लगवा चुके थे, सारी बॉक्सिंग फेडरेशन ने इनको सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स करा दिए थे। पर किसी बच्चे ने कंप्लेंट की इनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मेडिकल टीम है उन्होंने इसको अनफिट घोषित किया। हमने नहीं किया, बॉक्सिंग फेडरेशन ने नहीं किया। राकेश जी आप जिस कंप्लेंट का जिक्र करें, एक बात बताइए, वो कंप्लेंट क्या उसी वक्त होती है जब कोई रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है, एयरपोर्ट चला गया, उसके बाद आप इस तरह से रोकते हैं? क्या ये प्रोसेस था? एयरपोर्ट पे नहीं गए थे ये, उसके तो कम से कम एक सप्ताह पहले का मैटर है ये, जब टीम जाने को थी उससे एक सप्ताह पहले का मैटर था ये। और इसमें बॉक्सिंग फेडरेशन का कोई वो इसमें लेना देना नहीं है। जगदीश जी का एक जिक्र आ रहा है, द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए हैं, बड़ा सम्मानित अवार्ड माना जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड, उनका भी जिक्र है। आप ये देखिए ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का था 2004 में, ब्रिगेडियर पी के मुरलीधर राजा जी सेक्रेटरी जनरल थे और अभय सिंह चौटाला जी प्रेसिडेंट थे, उसमें जगदीश का या राकेश ठाकरान का कहां मैटर है भाई? हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप में कभी हमने इसको मना नहीं किया प्रदीप को खेलने से, और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी मना नहीं किया। जब इनको मेडिकल के लिए वहां पे बुलाया गया था तो उन्होंने मेडिकल चेकअप किया था इनका। तो 10 साल बाद इन्हें आपकी याद क्यों आई इतने गंभीर आरोपों के साथ, जब वो एक मैच के दौरान उनको ये पता चलता है अपने कॉम्पिटिटर से कि लेंस तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तब ये खुलासा होता है? तो आज जो ये मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं फिट है, तो ये उस समय डॉक्टर को दिखाना था इन्होंने भाई, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर थे उनको ये दिखाते, सेटिस्फाई करते, वो इनको अलाउ कर देते। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रदीप आप अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि आपकी बातों को डिनाई किया जा रहा है, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि आपने उस वक्त क्या कदम उठाए और कौन लोग जिम्मेदार है। अगर आप जगदीश जी का जिक्र कर रहे हैं तो उनका किरदार भी समझा दीजिएगा यहाँ पर क्या रहा, और ये भी खबरें हैं कि शायद उनके बेटे का भी इसमें किरदार है। हाँ जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जगदीश ने कंप्लेन की थी मेरी, और मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दे रखा है और वो बोलते हैं कि मैंने ओलंपियन बॉक्सर पैदा किए हैं, मेरे बॉक्सर पैदा किए हुए इतने इंटरनेशनल है, इतने एशियन चैंपियनशिप है, इतने ओलंपियन है, तो फिर ऐसा कोच जिसको भारत ने अवार्ड दे रखा है वो ऐसी झूठी कंप्लेन कैसे कर सकता है? और दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो मेरा चेकअप हुआ, मेरा चेकअप किसी लेंस का नहीं किया, और मेरे पिताजी और मेरे कोच श्री राजीव धनखड़ और मेरे इशार से कोच हैं जो सुबे सिंह बेनीवाल जी, वो तीनों रोहतक पीजीआई से डॉक्टर सतवीर सिंह से मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट लेके और आईबीएफ के जो डॉक्टर हैं उनके पास गए थे ऑफिस में
और उन्होंने वो सर्टिफिकेट फाड़ के वो फेंक के मारा और बोला इस बच्चे से फुटबॉल खिला लो, ये बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। उनके ये सबक है जी, ये क्या बोलते हैं कि ये बड़ी झूठ बोल रहे हैं जी, ये जो भी बोल रहे हैं आप। और मैं सिर्फ इसलिए आज ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 साल के बाद इनको वापस वो करके दिखाया जो आज तक कोई इंडियन बॉक्सर नहीं कर पाया। और मैं अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे आदमियों से जो हौसला तोड़कर बैठे हुए हैं मेरे देश के खिलाड़ी, कि उठो भाइयों, लड़ो इनसे लड़के ही जीत सकते हैं हम, जो अपने भाई भतीजों का मदद करते हैं जो इसमें खेलों में खिलाने के लिए। हमारे देश का जो रियल टैलेंट है वो बड़ा पीछे छोड़ दिया गया इस जैसे इंसानों की वजह से, स्पेशली जो तकदीस है बड़ा वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी और बहुत ज्यादा बेईमान और वो बहुत ज्यादा अपने खिलाड़ियों को जिताने के लिए दूसरों बच्चों का इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। प्रदीप, एक सवाल यहाँ पर राकेश जी ने उठाया वो ये कि अगर रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा है, क्या आपने बाद में टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट जी, मैं 17 साल का लड़का था उस टाइम, सिर्फ गांव से, और मुझे कोई रूल नहीं पता था। हमारे लिए उस समय क्या होता कि जो कोच ने बोल दिया हमारे लिए कोच भगवान है, फेडरेशन भगवान है, जो इन इन आदमियों ने जो बोल दिया था हमें, राकेश ने और जगदीश ने, हमारे लिए तो वही सब सच था जी। लेकिन आज मुझे 10 साल बाद पता चला कि इन्होंने झूठ बोला था मुझसे, और मैं आज इसलिए ये बात उठा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वो कागजात मुझे वो दिखाएं कि कैसे निकाल दिया आपने, मुझे दिखाएं, कुछ तो प्रूफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राकेश जी, एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जो होनहार योद्धा हरियाणा से निकला आज वो ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करता है, ग्राफ देखते हैं तो जबरदस्त है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक हीरा गवा दिया, एक राजनीति कहें, एक साजिश कहें, जो कि आरोप है प्रदीप के, वो क्राइटेरिया अगर आपके फेडरेशन की जब हम बात करते हैं, या अभी आप जिन लोगों को भी टीच करते हैं, इन बच्चों का जिक्र करें जो आप लोगों के साथ खेलते हैं, सबसे बड़ी बात क्या इनको अवेयर करना, हौसला अफजाई करना जिम्मेदारी नहीं बनती? मैडम, इसमें दो पॉइंट है। हाँ, नंबर एक पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल हमारी फेडरेशन है बॉक्सिंग की, हाँ, उसको इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन ने फॉलो करना पड़ता है। उसके अनुसार जिस बच्चे को कॉन्टेक्ट लेंस है हम उसको पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकता इंटरनेशनल टूर्नामेंट। लेकिन वो तो आज भी मना कर रहे हैं कि लेंसेज नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। अरे मैडम, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। जिस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था, उस समय अपने ये डॉक्यूमेंट्स अगर उनको दिखाते तो वो उनको अलाउ कर देते, क्योंकि जो टीम